प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में ग्रामीण इलाकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इससे जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया है और मैदान में विभाग की तकरीबन 5,000 टीमें उतरी हैं, जो कि गांव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक ग्रामीण इलाकों में 3,00,000 परिवारों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और कोरोना संक्रमित पाए जाने पर इनका अच्छे से इलाज करवाया जाएगा। एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि हरियाणा के गांव को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इससे जुड़ी बड़ी जानकारी दी है और उनकी माने तो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है और मैदान में विभाग की तकरीबन 5,000 टीमें उतरी हुई है, जो कि गांव में घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। और मंत्री अनिल विज की माने तो अब तक 3,00,000 परिवारों की स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है और कोरोना संक्रमित पाए जाने पर इनका अच्छे से इलाज करवाया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है मंत्री अनिल विज का। ऐसा गाँव में हमने पूरा विशेष अभियान चला दिया, हमारी 5,000 टीमें घर घर जा रही हैं और लगभग 3,00,000 परिवारों को स्क्रीनिंग की जा चुकी है और जल्दी ही हम सारा देहात जितना भी है सारी की हम स्क्रीनिंग कर देंगे और अगर उसमें कुछ कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे तो उनका पूरी तरह से इलाज करवाया जाएगा।